करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये आपके जो है IIT JEE मेंस एडवांस में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। आदरा इसको देखिए, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन करना है x²-1/x³, फिर रूट में 2x⁴-2x²+1 dx, ठीक है। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप क्या करेंगे देखिए, पहले तो आप इसको x²-1 रहने दीजिए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, x³ करेंगे, ये ऑलरेडी आपका है, और इसमें से आप x⁴ निकाल लीजिए, ठीक है। इसमें से क्या करेंगे आप x⁴ निकालेंगे, क्योंकि ये रूट में है, ठीक है ना, रूट में। बच्चों आप लोग समझो, ये रूट में है, तो जब बाहर निकालेंगे x⁴ को तो क्या हो जाएगा, ये x² हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे, ये रूट में रख लीजिए, आपने x⁴ निकाला है, अब x⁴ में सबसे डिवाइड कर दीजिए, जब डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। और यहाँ पर 2x² / आप x⁴ कर लीजिए, ठीक है, और प्लस यहाँ 1x⁴ कर लीजिए। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब इसके बाद में भी अगर आप कोई समझने में दिक्कत हो रही तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे रिपोर्ट करिए, ठीक है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, अब देखिए ये जो है आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये 2 हो जाएगा। इसको फिर लिखिए x²-1, ठीक है, बाई x⁵, ठीक है स्टूडेंट, x⁵ हो गया। अब इसको आप क्या करेंगे, रूट 2 माइनस क्या बचा हुआ है आपका, देखिए 2/x² क्या बचा हुआ है स्टूडेंट, 2/x², ठीक है, और ये क्या बचा हुआ है, प्लस 1/x⁴ स्टूडेंट क्या बचा हुआ है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब इसमें से देखिए ये इंटीग्रेशन का आप निशान लगा दीजिए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, x⁵ को आपको खत्म करना है, ठीक है। x⁵ कैसे खत्म होगा, अब आप इसमें से x⁵ बाहर निकालिए, ध्यान दीजिए भाई, इसमें से x⁵ बाहर निकालिए, बैठे हो तो तुम लोग देखो थोड़ा, ठीक है। x⁵ आप बाहर निकालिए, जब आप x⁵ आप इसमें से बाहर निकालेंगे स्टूडेंट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x² लिख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा और नज़दीक लिखिए, x⁵ आप बाहर निकाले, ठीक है स्टूडेंट, और इसके बाद x²/5 कर लीजिए, -1/x⁵ कर लीजिए, ठीक है, और -1/x⁵ कर लीजिए, ठीक है, तो आपका x⁵ बाहर निकल जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे स्टूडेंट, -x⁵, ठीक है स्टूडेंट, और इसके बाद जो है आपका क्या हो जाएगा, 2-2/x² + 1/x⁴, ठीक है स्टूडेंट, ये dx हो गया आपका। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आई ना। अब ये कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट होने के बाद में आपके पास क्या बचता है, ये देखिए, इससे ये कटेगा तो क्या हो जाएगा, 1/x³, क्या होगा स्टूडेंट, 1/x³, ठीक है, और ये क्या होगा, -1/x⁵, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए क्या होगा, 2-2/√x² क्या होगा स्टूडेंट, ये देखिए मेरे अच्छे विद्यार्थियों, 2-माइनस है ना, देख लीजिए भाई माइनस है, 2/x², ठीक है स्टूडेंट, +1/x⁴,
प्लस वन बाई एक्स पावर फोर, ठीक है, ये डी एक्स हो गया स्टूडेंट, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ तक बात समझ में आई, अब आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को आप क्या कर लेंगे, आप इसकी इज इक्वल टू टी मानिए, अभी देखिए इससे मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब आप टी मानिए, लेट टू माइनस टू बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स पावर फोर इज इक्वल टू टी, ये आप टी मान लीजिए। जब आप टी मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, अभी यहाँ पे डिफरेंशियल मत करिए, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, टू माइनस टू और एक्स पावर क्या हो जाएगा, माइनस टू, और प्लस एक्स पावर माइनस फोर, ठीक है, इज इक्वल टू टी। ये हुआ स्टूडेंट, अब इसको आप डिफरेंशियल कर दीजिए, इसको इंटीग्रेशन नहीं करना है, इसको डिफरेंशियल करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये स्टूडेंट, ये हो जाएगा जीरो, ठीक है, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये जीरो हो जाएगा। आप देखिए टू तो टू ही रह जाएगा, माइनस टू, ठीक है, और ये होता एक्स पावर एन, अगर होता तो एन एक्स पावर एन माइनस वन, यानी माइनस टू एक्स पावर माइनस थ्री, ठीक है, ये हो गया, और माइनस फोर और एक्स पावर क्या होगा स्टूडेंट, माइनस वन, यानी माइनस फाइव, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस फाइव, ये डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है स्टूडेंट। बात समझ में आई, बोलिए बात समझ में आई ना। अब क्या होगा स्टूडेंट, हाँ हमारे अच्छे स्टूडेंट हो, अब इसमें माइनस फोर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और टू इंटू टू यानी फोर, यानी फोर और एक्स नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स पावर थ्री, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अरे बताएंगे बच्चों आप लोग कि नहीं बताएंगे, बताने का नहीं मैंने, यानी ये हो जाएगा प्लस फोर, प्लस नहीं माइनस फोर होगा, माइनस फोर बाई एक्स पावर फाइव, ठीक है, ये डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें आप क्या करेंगे, फोर कामन ले लीजिए, ठीक है, तो अगर आप फोर कामन ले लेते हैं, ठीक है, फोर यही कामन अगर आप ले लेते हैं तो ये वन हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आई। ये आपको मिल गया क्या, वन बाई एक्स क्यूब माइनस वन बाई फाइव डी एक्स इजिकल टू डी टी। अब अगर जो है डी एक्स निकालना है तो इसको आप क्या करेंगे, ये नीचे चला गया, क्या चला गया, ये नीचे चला गया, ठीक है, बात समझ में आई, ठीक है। तो वन बाई एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स पावर फाइव डी एक्स इजिकल टू डी टी बाई फोर, ठीक है। अब आप देखिए इसमें मिलना होगा आपको वन बाई एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स पावर फाइव डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई फोर। अब ये वैल्यू आप पुट करिए, ठीक है, वैल्यू जो है आप पुट करिए, तो वैल्यू आप पुट करिए, वैल्यू पुट कैसे करेंगे, अब देखिए ये आपका मैटर बनता है, ठीक है, तो डी टी इज इक्वल टू डी टी बाई क्या हो जाएगा, डी टी बाई फोर। तो आप जो है डी टी बाई फोर यानी वन बाई फोर आप यहाँ लिख लीजिए, ठीक है स्टूडेंट, और ये जो है रूट टी हो गया, क्या हो गया स्टूडेंट, रूट टी हो गया, ठीक है। अब इसको आप साफ कर लीजिए, साफ करने आता है ना इसके आगे कि नहीं आता है, ये भी नहीं आता तो भी साफ कर देते हैं आप, तो कैसे हो, थोड़ा सा मुझे कोऑपरेट करो यार, हाँ चलो देखो, अब इसको आप साल्व करिए, साल्व कैसे करेंगे, वन बाई फोर और यहाँ टी पावर क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई टू, ठीक है, माइनस वन बाई टू, और अभी ये डी टी ही रहेगा क्योंकि अभी आपने इंटीग्रेट नहीं किया है, ठीक है। अब आप क्या होगा स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ वन बाई फोर,
ठीक है स्टूडेंट, अब टी का इंटीग्रेशन करेंगे आप टी पावर माइनस वन बाई टू का, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, टी पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई क्या हो जाएगा, यही चीज माइनस वन बाई टू प्लस वन, ठीक है प्लस सी, ये आपका आ गया। ठीक है अब आप क्या करेंगे, टी माइनस वन बाई टू प्लस वन, तो क्या हो जाएगा टी पावर वन बाई टू, क्या हो जाएगा वन बाई फोर और टी पावर वन बाई टू बाई क्या होगा वन बाई टू, ये भी क्या हो जाएगा वन बाई टू हो जाएगा, तो टू ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका टू बाई फोर, ठीक है और इसका टी पावर वन बाई टू, ठीक है स्टूडेंट, तो टू वन जा टू, टू टू जा फोर, ठीक है तो वन बाई टू क्या हुआ स्टूडेंट, समझ में आ रहा, अब इसको आप हटा दीजिए, इसको आप हटा दीजिए, हटाने के बाद में क्या मिलता है आपको वन बाई टू टी पावर वन बाई टू, वन बाई टू और टी पावर वन बाई टू, यह आपको मिला। अब आप क्या करेंगे वन बाई टू टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, टी की वैल्यू आपने क्या मान रखा था, टी की वैल्यू जो आपने मान रखा था तो आपने मिटा दिया, ठीक है टू माइनस टू बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है और प्लस वन बाई एक्स पावर फोर, यही मान रखा था ना, टी की वैल्यू यही माना गया था, ठीक है टी की वैल्यू यही माना गया था। अभी आपने टी की वैल्यू पुट कर दिया, ये सी आप लिख लीजिए, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है आप क्या करेंगे, अब जो है इसको आगे सॉल्व करिए, वन बाई टू, ठीक है वन बाई टू सॉल्व करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, अब इसमें आप एक्स पावर फोर जो है लिख लीजिए, लेकिन ये क्या है आपका रूट में है स्टूडेंट, ये रूट में है, ये पूरा जो है रूट में है, ठीक है तो रूट में है तो अब क्या करेंगे, अब देखिए टू या इसका एल्फियम ले लीजिए एक्स पावर फोर, ठीक है आपने एल्फियम ले लिया एक्स पावर फोर, तो क्या हो जाएगा टू एक्स पावर फोर, ठीक है टू एक्स पावर फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये सारा के सारा जो है आपका किसमें है रूट में है, किसमें है रूट में है, तो अब आप कहते हो स्टूडेंट वन बाई टू और एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में ये रूट में आएगा, ठीक है रूट में क्या आएगा टू एक्स पावर फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी, एक कांस्टेंट रखिए, ये आपका आंसर होगा, ठीक है समझ में आया, तो ये सवाल को आप कैसे सॉल्व करेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है और अगर आपको लगता है कि ये सरलतापूर्वक आप समझ लिए हैं तो ये लाइक करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने दो चार मित्रों में भी बताइए, और आपको अगर इस प्रकार का और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए, ठीक है और बोलिए मुझे और वीडियो चाहिए तो मैं और भी इनर्जेटिक ढंग से आपको इस प्रकार का वीडियो देता रहूँगा, ओके थैंक यू।